नमस्कार, आज हम लोग जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में अर्थात वेनिस प्लैनेट के बारे में। शुक्र चार स्थलीय ग्रहों में से एक है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी की ही तरह यह एक चट्टानी पिंड है, क्योंकि शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में यह पृथ्वी के समान है और अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में वर्णित किया जाता है। शुक्र ग्रह का व्यास के बारे में बात करें तो 12,092 किमी तक फैला हुआ है और द्रव्यमान पृथ्वी का 81.5% है। शुक्र ग्रह का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक है। सूर्य और शुक्र ग्रह की डिस्टेंस दूरी की बात किया जाए तो 10,42,82,00,000 किलोमीटर है। वेनिस प्लैनेट शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य परिक्रमा करता है और इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। इसका आभासी परिमाण -4.6 के स्तर तक पहुंच जाता है और यह छाया कर डालने के लिए पर्याप्त उज्ज्वलता है। क्योंकि शुक्र एक अवर ग्रह है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह कभी सूर्य से दूर नजर नहीं आता है, इसलिए प्रसर कोण 47.8 डिग्री के अधिकतम तक पहुंचता है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपने अधिकतम चमक पर पहुंचता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल की खोज सबसे पहले 1761 में रूसी बहुक्षुत मिखाइल लोमोनोसोव द्वारा हुई थी, जिससे शुक्र के वायुमंडल का अवलोकन 1790 में जर्मन खगोल शास्त्री योहान छोटर द्वारा हुआ था। श्राटर ने पाया कि ग्रह जब एक पतला अर्धचल था कटोरी 180 डिग्री से अधिक तक विस्तारित हुई। कहा जाता है पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। अन्य ग्रहों की तरह इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकट है, हालांकि अन्य मामलों में यह पृथ्वी से एक कदम अलग नजर आता है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अत्यधिक परावर्तन बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ है, जिसने इसकी सतह को दृश्य प्रकाश में अंतरिक्ष से निहारने से बचा रहा है। इसका वायुमंडल चार स्थलीय ग्रहों में संघनतम है और अधिकांश सतह कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ग्रह की सतह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना है। इसके औसत सतही तापमान के साथ शुक्र और सौरमंडल में अब तक का सबसे तप्त ग्रह है। कार्बन को चट्टानों और सतही भूआकृतियों में वापस जकड़ने के लिए यहाँ कोई कार्बन चक्र मौजूद नहीं होता और ना ही जीवन द्रव्य को इसमें अवशोषित करने के लिए कोई कार्बनिक जीवन यहाँ नजर आता है।